दौसा में भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, विधायक भागचंद टाकड़ा, रामविलास मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर जगमोहन मीणा ने कहा कि दौसा का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। ये रहेगा कि यहाँ पानी लाया जाए, और आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ERCP को स्वीकृत कर दिया है, MOU हो गया है और उसका जल्दी ही काम प्रारंभ होने वाला है। तो पानी मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा, ये एजुकेशन के मामले में बच्चे इतनी दूरस्थ गांव से या तो जयपुर जाएंगे, कोटा जाएंगे, सीकर जाएंगे, तो क्यों नहीं यहाँ एजुकेशन का हब बनाया जाए, एक अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे कोचिंग और अच्छी लाइब्रेरी प्रारंभ की जाए ताकि बच्चों को ढंग का एजुकेशन मिल सके। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, पहले 5 ही मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, तो जो दौसा जैसी जगह पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। सामाजिक सौहार्दता बनी रहनी चाहिए, सब में सद्भाव होना चाहिए, इसके लिए सद्भावी प्रयास और ज़्यादा किए जाएंगे, एक भाईचारा बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी कई देशों की यात्रा करके आए हैं और वहाँ से भारी निवेश लेके आ रहे हैं।